फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी तरह की और भी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। कोहनी और घुटने की काले माँ इतनी आसानी से कहाँ जाती है, नहीं क्रीम काम आती है और ना ही स्क्रब, लेकिन चंद घरेलू उपाय अपनाकर आप पा सकती हैं इस परेशानी से निजात। दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं कोहनी और घुटनों की सफाई के लिए घरेलू उपाय। आपका चेहरा तो चांद सा है और आपकी बाहें भी रेशम की किसी डोर सी, लेकिन कोहनी का रंग न तो आपके चेहरे के साथ मेल खा रहा है और न ही आपकी बाजुओं की खूबसूरती ही बढ़ा रहा है। ये समस्या है तो ऐसा अक्सर होता है कि हमारे शरीर के जोड़, खासकर कोहनी और घुटने, सही प्रकार से साफ नहीं हो पाते। इन पर जमा मैल आपके रूप को नुकसान पहुंचा सकता है। कोहनी और घुटनों की त्वचा का कालापन एक आम समस्या है। इससे छुटकारा पाना आसान नहीं पर नामुमकिन भी नहीं है। चंद आसान उपाय अपनाकर इस दिक्कत से निजात पाई जा सकती है। घुटने और कोहनी की सफाई के लिए सबसे लोकप्रिय घरेलू उपाय है नींबू और मलाई का पेस्ट। नींबू को छीलकर उसमें मलाई मिला लें। नींबू रस से त्वचा की गंदगी दूर होती है। आप त्वचा पर नींबू के छिलके को भी रगड़ सकते हैं, इससे भी त्वचा की अच्छी सफाई होती है। कोहनी और घुटने का रंग हमारी त्वचा के रंग से अलग होता है। हम में से कई लोगों को शायद ये पता नहीं होगा कि घुटने और कोहनी की सफाई के लिए शहद एक अच्छा विकल्प है। ऐसे में आप शहद का उपयोग कर सकते हैं। शहद त्वचा को नरम रखता है, जो बहुत लाभ पहुंचाता है। एलोवेरा भी घुटने और कोहनी की सफाई के लिए एक अच्छा विकल्प है। काले पड़े घुटनों और कोहनी पर नियमित रूप से इसके जेल का उपयोग करने से त्वचा के दाग धब्बे भी साफ होते हैं। मलाई को दाग धब्बे वाली त्वचा पर रगड़ने से वहाँ की त्वचा साफ होती है और त्वचा मुलायम होती है। झामा या स्क्रबर मृत त्वचा को हटाने में काफी प्रभावशाली होता है। नहाते समय झावे को गीला करके उससे कोहनी और घुटने की सफाई करें। नारियल का तेल मॉइस्चराइजिंग गुण से समृद्ध होता है और त्वचा के लिए एक अच्छा टॉनिक भी है। नहाने से पहले अपने पूरे शरीर और कोहनी एवं घुटने पर नारियल तेल लगाएं। इससे त्वचा मुलायम रहती है और कोहनी और घुटने की त्वचा पर गंदगी नहीं जमती। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। इसके साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी तरह की और वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।